नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने का महत्व। पुराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम लंकापति रावण का अंत करने जा रहे थे, उससे पहले राम जी को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे। इसके बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए नीलकंठ पक्षी को शुभ और विजय का संकेत माना गया है। दशहरे के दिन इस पक्षी का दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस पक्षी का दिखना आसान नहीं है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का भी रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भी नीलकंठ कहा गया है। यही कारण है कि यदि आपको नीलकंठ दिखाई देता है तो इसको बहुत शुभ मानते हैं। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती उनके पीछे ही थीं और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष ना तो गले से बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। और नीलकंठ को महाशिवरात्रि वाले दिन भी देखना बहुत शुभ माना गया है। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और आप सभी को ओम नमः शिवाय।